नमस्कार दोस्तों, कामुनी फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले मस्तानी साड़ी। आप काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें मस्तानी साड़ी सिखाइए, तो ये मैं आपकी रिक्वेस्ट दो पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट जो बनेगा हमारा वो आधा होगा और जो सेकेंड पार्ट बनेगा वो आधा होगा। तो ये दोनों भी पार्ट आपको देख लेना है किस तरह से हमने बनाया है। ये बहुत ही बड़ा वीडियो है, इसके लिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है और उसके बाद में हम इसे अपलोड करने वाले हैं। तो आपको ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी जरूर, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है आपका कि आप साड़ी बार बार देखते हो लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही हो, तो आपको ऐसी इच्छा हो रही होगी कि हमें ये सीखना चाहिए। तो हमारे आपके जिले में प्रोग्राम बनेंगे, जहां जहां पे हमारे प्रोग्राम होंगे वहां वहां की आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आपको अपडेट मिलने के लिए आपको मैं स्क्रीन पे एक नंबर दे दूंगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां पे आपको हाई करके भेजना है। जहां पे भी मेरा प्रोग्राम होगा वहां की आपको जो जानकारी होगी वो आपके व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे। ये 6 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 दिन हम आपको पर्सनली ऑनलाइन सिखाते हैं। उसमें आपको किस तरह से बॉर्डर होना चाहिए, आपकी साड़ी किस तरह से होना चाहिए, आपके पैंट के लिए कपड़ा कितना लगता है, आपको इसे कटिंग किस तरह से करना है, ये सभी जानकारी हम छोटे छोटे क्लिप में आपको बताते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकल में 3 दिन जो प्रोग्राम करने वाले हैं वहां पे आपको अच्छा से समझ में आ जाता है कि ये किस तरह से हमने किया है। उससे क्या हो जाता है, आपके काम करने की स्पीड ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है और ये हमारी 5 जो साड़ी होती है ये 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाती है। ये 5 साड़ी जो होती है हमारी रेगुलर में जो साड़ी बनती है वही होती है, शाही मस्तानी, राजलक्ष्मी मस्तानी, पेशवाई और उसके बाद में जो बनेगी हमारी ब्राह्मणी साड़ी। ये 5 साड़ी हम सिर्फ 1,500 रुपए में आपको सिखाते हैं और इसकी हम फुल गारंटी देते हैं आपको कि ये साड़ी हम 3 दिन में आपको सिखाते ही है और वो आपसे प्रैक्टिकल करके लेते हैं। और आपको ये साड़ी क्यों सीखना चाहिए, आज का देखिए लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आपको काफी दिक्कतें आएंगे आगे। हमारी जो घर में से कोई तो होगा उनकी रोजगार गया होगा, तो अभी आपकी जरूरत है कि आपको ये सीखने की बहुत जरूरत है आगे आपको ये बिजनेस करने के लिए। देखिए हमें जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें लगती हैं, देखिए कपड़ा, मकान और रोटी। देखिए हमारे पास अभी फैशन में हम काम कर रहे हैं, तो ये कपड़ा जो होगा तो ये कभी इसकी फैशन नहीं जाने वाली, इसके लिए आपको इसमें एडवांस सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए ये मार्केट ऐसा हो गया है कि पूरा मार्केट डाउन हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना है, कस्टमर को खींच लेना है आपके तरफ, तो आपको कुछ ना कुछ अलग करते रहना है। तो अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नौवारी साड़ी बहुत ही फिनिशिंग में आपको सीखने की बहुत जरूरत है। अगर आपको हमारी टेक्निक आपको सीखना है अच्छा से, अगर प्रैक्टिकल में करना है तो हमारे प्रोग्राम जरूर कीजिए। उसमें हम बहुत ही बारकाई से आपको सिखाते हैं कहाँ से स्टिच होना चाहिए, आपका कास्टा किस तरह से होना चाहिए, आपका जो आगे का ओचा है किस तरह से पैक होना चाहिए, जो बैक साइड होगी हमारी किस तरह से नहीं हिलेगी, या तो हमारा जो पैर होगा वो किस तरह से पैक होगा, ये सभी जानकारी हम उस प्रोग्राम में आपको पर्सनली देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको वहां पे वो साड़ी नहीं आएगी, 101% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वो साड़ी आएगी ही आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है 3 दिन के प्रोग्राम में कि आपको ये साड़ी नहीं आ रही, तो हम आपको एक विजिटिंग कार्ड देने वाले हैं। वो विजिटिंग कार्ड सिर्फ हमारे जो भी मेंबर होगा उसके हाथ में अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं करेगा, वो आपके जितने भी आपने फीस भरी हुई वो आपको रिफंड में दे देगा। इतनी बड़ी गारंटी आपको कोई नहीं देगा, लेकिन मैं 3 दिन के अंदर आपको इसकी इतनी गारंटी दे देता हूं कि आपको ये 101% आपको ये साड़ी, सभी जो मैंने 5 साड़ी बोली हुई वो सभी आ जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए मैं अभी मस्तानी का वीडियो आपको डाल रहा हूं, अगर अगला जो प्रोग्राम होगा मेरा जालना जिले में होने वाला है। अगर आपको जालना जिले का अगर सीट बुक करना है तो आप मेरे जो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं वहां पे आप कॉल करके हमारा हमको आप बताइए कि ये हमारा रजिस्टर नंबर है, आपका मैं सीट वहां पे बुक कर दूंगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला है वो हमारे नासिक जिले में होने वाला है। हमारे सीट जो होगी वो सिर्फ लिमिटेड होंगे, हर टाइम हम जो सीट लेते थे तो वो 100, 150, 200 तक लेते थे, लेकिन इस बार हम 50 से 60 ही सिर्फ सीट लेने वाले हैं। वो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, उसके बाद में हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। हमारे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 2000 से 3000 स्क्वायर फुट में हमारे प्रोग्राम बनते हैं, इसके लिए आपको
बहुत ही डिस्टेंस रख के हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम मस्तानी साड़ी। अगर आपको ये मस्तानी साड़ी का वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना ना भूलना है आपको। जब आप घंटी पे क्लिक करेंगे जैसे भी हमारे वीडियो बनते हैं उसके नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारी ये मस्तानी साड़ी हमने पूरे वीडियो में आपको बताया है, तो हम इसका वीडियो आपको पूरा बताते हैं किस तरह से हमने ये प्लेट लगाई। मेन आपको इसमें क्या सीखना है, ये प्लेट सीखना है, उसके बाद में हमने कास्ता बैक साइड का जो कास्ता है वो किस तरह से पैक किया है, उसके बाद में हमने बेल्ट किस तरह से लगाया है और हमने ये जो आगे का प्लेट किस तरह से लगाया है, ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है किस तरह से बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में जरूर लिख के भेज देना है कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगा है। धन्यवाद। तो आज हम सीखने वाले हैं मस्तानी साड़ी। मस्तानी साड़ी के लिए हमें मेजरमेंट जो लगेंगे, लंबाई लगेगी हमें 39 इंच, सीट जो होगा हमारा 41 इंच होगा और पल्लू जो होगा 76 इंच होगा। अब देखिए हम लंबाई जो होगी तो हमें सबसे पहले तो हमें लाइनिंग लगेगी 1.5 से 2 मीटर। अब हमारी लाइनिंग हमने जितनी ली उतना हमें लंबाई रखना है। उसके बाद में हमें सीट का तीसरा भाग करना है। देखिए हमारा सीट जो होगा वो 41 इंच है, तो 41 का हमें तीसरा भाग करना है, तो तीसरा भाग आएगा 1.25 इंच। तो 1.25 में हमें क्या करना है, 1 इंच ऐड करके लेना है, यानी हम 1.25 के ऊपर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में कमर में हम क्या करेंगे, कमर का चौथा भाग लेंगे, सॉरी हम सीट का चौथा भाग लेंगे। देखिए ये सीट है हमारा, सीट का चौथा भाग लेंगे हम। अब सीट का चौथा भाग आएगा 1.25 इंच, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.25 इंच लेना है और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 1.25 और 1 इंच इसमें ऐड कर देना है। देखिए ये 1.25 है हमारा, तो उसके अंदर हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी हम करेंगे 1.25 के ऊपर मार्किंग। उसके बाद में हम लेंगे 2.5 इंच आगे शेप के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसे शेप दे देते हैं इस तरह से। उसके बाद में हमारा जो भी बॉटम रहेगा, देखिए हम बॉटम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अब आपके पास अगर बॉटम नहीं होता है तो ये लूज हो गए तो भी चलेगा, लेकिन फिटिंग नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसका 10 इंच का बॉटम लगाएंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे आगे 1 इंच सिलाई। अब हम क्या करेंगे, इसे मिला देते हैं इस तरह से। अगर आपके पास बॉटम का माप नहीं होगा तो आप इस तरह से माप डालिए 10-11 इंच, लेकिन आप बॉटम का माप लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पैंट कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से पैंट कटिंग हो चुकी है, ये हमारे दो भाग तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसे स्टिच करके लेना है। सबसे पहले हम इसे स्टिच करेंगे, तो हमें अभी स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम ये पहला पल्लू ओपन करेंगे। ये पहला भाग ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, ये दूसरा भी भाग इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें 0.5 इंच की सिलाई लगाना है यहां तक। उसके बाद में दूसरे साइड पे भी हमें क्या करना है, यहां से हमें सिलाई लगाना है 0.5 इंच की। ये सिर्फ हमारा क्रच पॉइंट होगा, वहां पे हमें सिर्फ सिलाई लगाना है, हमें बॉटम को सिलाई बाद में लगाना है। सबसे पहले हम इसे सिलाई लगा के लाते हैं। तो ये देखिए हमने ये दोनों सिलाई लगाई, तो ये हमारा कमर का भाग तैयार हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, कमर का जो भाग होगा उसे 1.25 इंच की सिलाई लगा लेना है। हमारी 1.25 इंच की सिलाई लगा के हो जाती है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा बॉटम होता है उसे हमें क्या करना है, 1 इंच पे फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड होगा हमारा इस तरह से। हमारा पहला बॉटम होने के बाद हम दूसरा बॉटम फोल्ड करेंगे। देखिए हमने क्या किया है, यहां पे एक सिलाई लगाई है, उसके बाद में दूसरे बाजू में सिलाई लगाई है,
उसके बाद में हमने यहाँ पे अंदर के साइड में 5 इंच का फोल्ड किया, जहां से हमने जिधर के साइड में ये स्टिच लगाई है उसी साइड में हमने फोल्ड किया है। उसके बाद में हमने ये बॉटम जो होगा हमारा उसको भी इसी तरह से फोल्ड किया है। अब हमें क्या करना है, इसका बॉटम तैयार कर देना है। देखिए जिस तरह से हम पैंट सिलाते हैं उसी तरह से, देखिए ये मार्किंग जो होगी इस मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये पूरे राउंड में हमारी सिलाई लगाना है, हम इस तरह से हम इसे पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे सिलाई लगा के ले लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई, उसके बाद में ये हमारा इस तरह से बॉटम तैयार हो चुका है। ये हमारे दोनों भी बॉटम तैयार हो चुके, तो अब हम इसे साइड में रखने वाले हैं। सबसे पहले हमें मस्तानी के लिए क्या करना होता है, पैंट तैयार करना होता है। तो ये हमारे पैंट तैयार हो चुकी है, अब हम साड़ी लेंगे। ये देखिए हमारे पास इस तरह की नववार साड़ी है, अब हमें इसमें मस्तानी साड़ी तैयार करना है। तो ये देखिए ये मस्तानी साड़ी जो होती है ये पूरे अखंड में होती है, जब भी आप उसे खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, उसके बाद में आप छह वारी से करके पहन सकते हो। तो सबसे पहले हम लेंगे पल्लू। तो देखिए हमें क्या करना है, आप सबसे पहले डालना है पल्लू। अब हमारा पल्लू का मेजर जो है वो है 76 इंच, 76 इंच हमें गिन लेना है। यहां से हम क्या करेंगे 76 इंच गिनेंगे। ये देखिए ये हमारा 60 इंच होता है, 60 इंच के बाद हम इसे 16 इंच आगे गिनेंगे। हम क्या करेंगे यहां से 16 इंच आगे गिनेंगे। देखिए हमने यहां पे 16 इंच गिन लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन होगी हमारी ये स्ट्रेट में ऊपर की साइड में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 76 इंच जो गिना है हम इसे स्ट्रेट में मार्किंग करके ऊपर के साइड में लेके जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर के साइड में सिलाई हो चुके मार्किंग करके हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ऊपर का साइड होगा, ऊपर का साइड, और ये जो होगा हमारा नीचे का साइड होगा। तो हमें क्या करना है, नीचे के साइड में हमें 15 इंच ज्यादा गिन लेना है। देखिए हम क्या करेंगे, जहां से हमने 76 गिना है वहां से हम इसे 15 इंच एक्स्ट्रा डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे एक्स्ट्रा में मार्किंग करेंगे। अब हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा में मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से यहां से क्रॉस कर देना है। जो हमारा 76 इंच जो ऊपर का साइड होगा वहां पे जाके हमें इसे मिला रहे। तो ये हमारी मार्किंग ऊपर के साइड में हो चुकी है। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये हमारा नीचे का साइड होगा, तो नीचे के साइड में हम 15 इंच ज्यादा गिनेंगे। उसके बाद में ये जो क्रॉस लाइन जो होगी वो ऊपर के साइड में लेके जाएंगे, जहां पे 76 हमने लिया है वहां पे। अब हमें क्या करना है, यहां से इसे चून लगाना है। अब हमें चून लगाना है, लेकिन हमें कितना चून लगाना है वो भी हमें ध्यान देना है। देखिए ये हमारी मैनी होगी, जो सलवार की मैनी है वो। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे यहां से यहां तक गिन लेते हैं। देखिए ये है हमारा 15 इंच का रेडी आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे 15 इंच तक इसे प्लेट लगा देना है। देखिए हम इस तरह से इसे प्लेट लगाएंगे, यानी छोटी छोटी हम यहाँ पे चून कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसे 15 इंच पे तैयार करेंगे, यहां से यहां तक हम इसे 15 इंच करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे 15 इंच होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे यहां से इसे इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो हम अभी क्या कर लेते हैं, इसे स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 15 इंच इसे रेडी किया है। देखिए ये हमारा 15 इंच पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा साड़ी का एंड होगा, देखिए हमें इस तरह से साड़ी, ये देखिए हमारे ऊपर का साइड सीधा होना चाहिए। ये हमारी जो पूरी नववार जो होगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद हमारा जो ये एंड जो आएगा, देखिए ये हमारा एंड जो होगा, इसे हमें क्या करना है, ये उल्टा थोड़ा क्रॉस होगा तो हमें इसे सीधा कटिंग करके लेना है। तो देखिए हमारा ये जो एंड जो होगा वहां पे हमें क्या करना है, इसे सेंटर पे इस तरह से नॉच लगाना है।
देखिए हम क्या करेंगे, इसे नॉच लगाएंगे तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले एक छोटी सी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये निकल ना जाए। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे फिर से इसे चून लगाने का, यहां से हमें इसे चून लगाना है। अब ये चून कितना होना चाहिए, सेंटर तक होना चाहिए 15 इंच, उसके बाद में सेंटर के बाद में होना चाहिए 15 इंच, यानी पूरा जो राउंड होगा हमारा ये 30 इंच का रेडी होना चाहिए। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 5 इंच की सिलाई लगाई। अब हम क्या करेंगे, इसे चून लगा लेते हैं। हमें छोटा छोटा यहाँ पे चून करना है। देखिए हमने छोटी छोटी चून लगाने के बाद हमें इसे गिन लेना है। ये हमारा 30 इंच होना चाहिए। देखिए हमारे सेंटर तक जहां पे हमने मार्किंग किया है, देखिए यहाँ पे मार्किंग है, मार्किंग तक हमने 15 इंच रेडी किया है। उसके बाद में दूसरा जो भाग होगा यहां तक पूरे पल्लू जो होगा हमारा, सॉरी एंड का भाग जो होगा वहां तक हमने 30 इंच रेडी किया है। अब हमें क्या करना है, पैंट लेना है, जो हमने इसके लिए सलवार काटी है उसको लेना है। देखिए हम इसे उल्टे ही साइड में रखेंगे। देखिए हम इसे क्या करेंगे, उल्टी जो साइड है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ऊपर के साइड में ले लेंगे। देखिए आपको ध्यान देना है इसे किस तरह से अटैच करना है। ये देखिए हमारी इस तरह से हमने पैंट रखा है। रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे सेंटर है, आपको क्या करना है, पूरी पैंट बाहर नहीं रखना है, आधी पैंट अंदर रखेंगे आप और आधी पैंट जो होगी हमारी इधर के साइड में होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे स्टिच लगाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये सेंटर जो होगा, सेंटर से हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से, ये हमारा सेंटर का भाग होगा, देखिए यहां तक। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारा भाग जो होगा हम नीचे के साइड में से इसे इस तरह से लाएंगे। देखिए ये जो होगा नीचे के साइड में से हम यहां तक, देखिए हम क्या करना है, हमें क्या करना है, पूरे राउंड में इसे स्टिच कर लेना है। समझ में आ गए आपके, देखिए आपको ध्यान देना है हमें क्या करना है, सिर्फ राउंड में इसे स्टिच कर लेना है। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसे बॉल पिन लगा के ले लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से बॉल पिन का यूज कीजिए है। इसके लिए, इसके वजह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये हमने यहाँ पे इसे मार्क किया करके, यहाँ पे एक हम स्टिच करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो भाग होगा नीचे का, हम नीचे के भाग को भी क्या करेंगे, यहां से यहां तक इसे स्टिच करवा के ले लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। आपको ध्यान रखना है जो हमारा नीचे का जो कपड़ा होगा वो इसके अंदर नहीं अटकना चाहिए और हमें इसे इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो ये देखिए हमने जो मार्किंग किया था, देखिए हमारा 30 इंच का जो मार्किंग हो रहा है, देखिए हमारी ये जो पैंट की फिटिंग आती है वहां पे आके हमारे ये स्टिच हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा यहां तक लेके जाएंगे जो हमने दूसरी पिन लगाई थी। देखिए हमने ये दूसरी पिन लगाई है, वहां तक हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पे सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, देखिए हमने जहां से शुरुआत की थी वहां से हमें क्या करना है, ऊपर की साइड में इसे सिलाई लगाना है, यहां तक हमें इसे सिलाई लगाना है। ये देखिए हमारा ये दूसरा वो एंड होते हुए जो आया था वो वाला भाग है, तो हमें यहां तक ही इसे सिलाई लगाना है। अब हमें क्या करना है, इसका रेड कलर है तो हम ऊपर की साइड में रेड कलर लगाएंगे।